एक बार सर आप अपना परिचय दे दो। मेरा नाम पदम सिंह राठी है, मेरठ से हूँ मैं और किसान आंदोलन का समर्थक हूँ मैं और रिटायर सब इंस्पेक्टर है। हाँ रिटायर, मैं एक फौजी हूँ और एक किसान का बेटा हूँ, धरती पुत्र हूँ। आगे पूछो जी। अच्छा सर ये बताओ, जिस प्रकार से सरकार के विरोध में एक रोष है लोगों के अंदर और बेहिसाब मात्रा में, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, आज जैसे हरियाणा में आए हम चौधरी साहब के साथ में, तो यहाँ पे जो सैलाब था जनता का, वो सैलाब इतना था कि जो सैलाब में आ गया वो दिखाई चली गई जनता उसको अपने साथ में ली हुई, चौधरी साहब को हाथों पे उठा वो ले गई वहां पर, और इतनी भीड़ है अपना एक सरकार के विरुद्ध जो आम जनता का रोष है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, जनता जो है इन बिलों से परेशान है, किसान परेशान है, और ये जो किसान आंदोलन के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है सर्व समाज की लड़ाई है, इसमें किसान ही बर्बाद नहीं होगा, पूरे देश की कर्मचारी युवा सब पे इसका असर पड़ेगा, गरीब लोगों पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, और ये जो जनता आ रही है ये सरकार को जवाब दे रही है, इसके विरोध में आ रही है। मुजफ्फरनगर की पंचायत, बिजनौर की पंचायत, मथुरा की पंचायत, बागपत की पंचायत, अब हरियाणा में हमारे भाइयों ने कंडला में पंचायत करी, सर्वाधिक विशेष आदमी इतने कम समय में और बिना किसी उसके इंतजाम के, सरकार के पूरा पुरजोर विरोध होने के बाद ही पब्लिक स्वतः ही अपने अंतर्मन से किसानों के समर्थन में, और वो पब्लिक इतनी सचेत होगी, वो जाग चुकी, उन्हें पता लग चुका है किसान आंदोलन आम समाज के हित में है और पूरे भारत की जनता के हित में है और हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के हित में है। और बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था किसानों को बदनाम करने का, उसके विरोध में एक जवाब है कि भाई तुम कितना भी षड्यंत्र रचो, कितना ही किसानों को बदनाम करने की कोशिश करो, अब हमारी समझ में तुम्हारी षड्यंत्रकारी और दमनकारी नीति जो है अच्छी तरह आ चुकी है, हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ही बिना किसी स्वार्थ के पूरी सम्मान के साथ आपका विरोध करेंगे, सहनशीलता और सज्जनता के साथ, और आपसे अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। एक चीज और है जी, जिस प्रकार वहाँ दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे आपने भी देखा होगा, मैं सड़कों में कील ठोक दी, सरिये ठोक दिए और कटिल्ले तार में उस तरह के लगाए गए जिनकी खेत की तरफ जो चारों ओर लगाए जाते हैं तार, वहां पर लगाने पर भी रोक होती है उनपे, वे जो तार लगाए गए वे एक इंसान के लिए लगाए गए, किसान के लिए लगाए गए, तो सरकार जब ये चीज लगाती है ये दर्शाती है कि भाई सरकार डर रही है और तीन कानून वापिस भी नहीं ले रही, तो ये क्या संदेश देना चाहती है सरकार किसान? देखो जी, गाजीपुर बॉर्डर को या सिंगू बॉर्डर को, दिल्ली के जो भी बॉर्डर हैं उन पे जो बैरिकेड लगाए गए हैं, तारबंदी लगाई गई है और स्टील की कीले लगाई गई हैं, ये सब सरकार का डरपोकपन है। और सरकार एक चीज और है, वो लट भी मंगाए हाँ जनता को पीटने के लिए स्टील के, हाँ वो क्या मतलब उसका, क्या इन्होंने किसानों पर प्रयोग बल प्रयोग करने के लिए स्टील की लाठियां बनाई है, जब उस चीज का पता लगा तो इन्होंने अपना ये थोप दिया कि भाई वहां की जो स्थानीय पुलिस थी उन्होंने वो बिना किसी अनुमति के अपने मंगाई थी, लेकिन वो तुरंत ही उन्होंने वे लाठियां तो वापिस कर दी और वहां पे बैरिकेड लगवाए, उनके ऊपर कंट्रेंसी का वार लगवाए, कीले ठुकवाई, सीमेंट की दीवार बनवाई किसानों को रोकने के लिए। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो है नहीं, ये तो एक राज्य का बॉर्डर है और किसान है, स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकता है संविधान के अनुसार। अगर सरकार की बात करें, संविधान का ही तो सम्मान है, संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, तो संविधान हमें अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना भी सिखाता है।